जय हिंद फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे। तो भाई मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, जो भी कैंडिडेट पहली बार चैनल को विजिट कर रहा है भाई चैनल के साथ जरूर बने रहिएगा, ताकि आने वाला कोई भी परमानेंट जॉब का रिक्रूटमेंट जो है, चाहे वो आईटीआई को लेकर हो या डिप्लोमा को लेकर हो, उसकी इन्फॉर्मेशन जो है आपको इस चैनल पर देखने मिल जाएगी। मैं ओनली परमानेंट जॉब की ही अपडेट देता हूँ, मैं अप्रेंटिसशिप वगैरह की यहाँ पर अपडेट नहीं देता हूँ, ठीक है। परमानेंट जॉब के लिए आपको डेफिनेटली यहाँ चैनल के साथ बने रहना चाहिए। अब यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट निकल कर आ रहा है वो फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे। अब ये जो डिपार्टमेंट है ये ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। यहाँ पर जो आप देख सकते हो भाई कुछ ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट निकाली गई हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर बताया गया है, सच अदर कैंडिडेट्स डिक्लेयर्ड एलिजिबल बाय। और यहाँ पर थोड़ा सा मैं अगर क्लियर करूँ तो जो पोस्ट निकाली गई है वो यहाँ पर कैमरामैन, ठीक है, ग्राफिक्स, फिल्म एडिटर, और उसमें जो कुछ कुछ पोस्ट हैं जैसे यहाँ पर असिस्टेंट मेंटेनेंस इंजीनियर मैकेनिकल, इसकी एक पोस्ट है, असिस्टेंट इंजीनियर मेंटेनेंस की यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिकल की एक पोस्ट है और मैकेनिकल की भी यहाँ पर एक पोस्ट है। एज लिमिट यहाँ पर 30 ईयर रखा गया है ना। अब डायरेक्टली अगर मैं आपको लेकर आऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो भाई 16 नंबर पर यहाँ पर आप मैकेनिक की पोस्ट है, जिसमें टोटल नंबर पोस्ट 4 हैं, ठीक है। इसमें जो आपकी एज लिमिट है वो 25 साल रखी गई है। उसके बाद इसके ऊपर अपर डिवीज़न क्लर्क की टोटल 2 पोस्ट हैं, इसमें 27 साल एज लिमिट रखी गई है। हिंदी टाइपिस्ट की एक पोस्ट है, कारपेंटर की यहाँ पर जो है 2 पोस्ट हैं, इसमें भी जो है अपर एज लिमिट 25 साल रखी गई है। उसके बाद ड्राइवर की यहाँ पर 6 पोस्ट हैं, इसमें आपकी 30 साल रखी गई है एज लिमिट। इलेक्ट्रीशियन की यहाँ पर 4 पोस्ट हैं, इसमें आपकी 25 साल रखी गई है। पेंटर की जो है यहाँ पर 2 पोस्ट है, इसमें भी आपकी 25 साल रखी गई है। टेक्नीशियन की यहाँ पर 5 पोस्ट है, इसमें भी आपकी 25 साल रखी गई है। बाकी जो MTS वाले हैं भाई, यहाँ पर प्लम्बर, क्लीनर, फ्रेश, उसके बाद असिस्टेंट कारपेंटर, लेबोरेटरी अटेंडेंट, यहाँ पर सबकी एक 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 पोस्ट है। नीचे MTS की यहाँ पर टोटल 8 पोस्ट है, यहाँ पर भी 25 साल जो है एज लिमिट रखी गई है ना, ये प्यून वगैरह की। उसके बाद यहाँ पर MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ की यहाँ पर जो है एक पोस्ट है, ये कुक कम चौकीदार की पोस्ट है। उसके बाद स्टूडियो असिस्टेंट की यहाँ पर 15 पोस्ट है, ठीक है, जिसमें स्टूडियो असिस्टेंट की यहाँ पर 15 पोस्ट है, यहाँ पर भी 25 साल एज लिमिट रखी गई है। बाकी देखो इसका फुल अभी डिटेल्स नोटिफिकेशन इसका नहीं आया है, इसकी FTII के ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जो है इसका फुल जो है यहाँ पर नोटिफिकेशन आएगा। तो आप देख सकते हो भाई इसमें ITI वाले कैंडिडेट भी एलिजिबल होंगे और डेफिनेटली यहाँ पर डिप्लोमा वाले कैंडिडेट भी एलिजिबल होंगे। डिप्लोमा वाले कैंडिडेट मैक्सिमम अगर माने तो असिस्टेंट मेंटेनेंस इंजीनियर मैकेनिकल की पोस्ट पर एलिजिबल हो सकते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल वाले। और बाकी ITI का तो यहाँ पर क्लियर आपने देख लिया भाई, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, टेक्नीशियन। तो यहाँ पर देखना पड़ेगा भाई फिटर वाले कैंडिडेट किसके अंतर्गत आ सकते हैं, हो सकता है टेक्नीशियन वाले के अंतर्गत फिटर वाले कैंडिडेट आ रहे हो, तो ये सब देखना पड़ेगा। बाकी इलेक्ट्रीशियन वाले कैंडिडेट एलिजिबल है, पेंटर वाले, कारपेंटर वाले, ये सब मैकेनिक वाले कैंडिडेट एलिजिबल है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अभी इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है, जैसे ही इसका फुल नोटिफिकेशन आता है तो आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर हो जाएगी, कौन कौन से कैंडिडेट किस किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, क्या यहाँ पर फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये वैकेंसी का भाई बहुत टाइम बाद आई है, तो इसका कुछ डाटा मेरे पास एक्चुअली क्लियर नहीं है, है ना। तो यहाँ पर नेट पर भी मैंने सर्च किया तो चीज़ों को क्लियर करके नहीं बताया, लेकिन मैं यहाँ पर अगर वहाँ पर चीज़ों को मुझे बताया जाता तो मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर देता कि भाई यहाँ पर कौन कौन से कैंडिडेट जो है एलिजिबल होंगे, सारा कुछ। तो इसके फुल नोटिफिकेशन का आपको वेट करना होगा, जैसे ही अपडेट आता है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर देखने मिल जाएगी। भाई चैनल के साथ डेफिनेटली बने रहिएगा ताकि कोई भी अपडेट जो है भाई आपको सबसे पहले इसी चैनल पर देखने मिले। तो मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, अपना ध्यान रखिए, जय हिंद।